शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 18। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास लिख लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, अपना नाम, टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन को जोड़ना आज हम सीखेंगे। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करके आंसर के साथ बनाऊंगी। अगर आप सिर्फ आंसर देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड की जा चुकी है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। पहले हम लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना पड़ेंगे। वैसे हम जान चुके हैं लाइक फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। लाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यानी कि अपॉन के नीचे वाले नंबर जिसके सेम होते हैं उसको हम लोग मतलब लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको क्या दिया गया है कि एक चॉकलेट के 9 हिस्से किए गए, उसी चॉकलेट के यहाँ पे भी 9 हिस्से किए गए, लेकिन इसमें आपको 2 ही हिस्से मिले जबकि यहाँ आपको 4 हिस्से मिले। तो टोटल आपको कितने मिले, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा 9 जो होता है उसे हम कॉमन रख लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम है, और ऊपर वाले नंबर को हम प्लस कर देंगे। तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 6/9। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे यानी डिवाइड करेंगे। 3 2 6 और 3 3 9, तो आपका 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ आपको देखिए दूसरा करने को दिखाया गया है कि किस तरह से आप 9 को कॉमन ले लेंगे। क्यों? दोनों में 9 9 है, ऊपर 5 + 1 कर देंगे, देन आपका आंसर हो जाएगा 6/9। फिर आप इसको 3 से काटेंगे, 3 2 6 3 3 9। हमेशा याद रखिए जब हम ऊपर नीचे काटते हैं तो एक ही नंबर से काटते हैं। ठीक है, यानी ये देखिए हमने 3 के टेबल से ही काटा इसको, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2/3, जैसा कि यहाँ आपको शो भी किया गया है। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आपको लिखा है एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका यहाँ आपको दिया गया है। यहाँ लिखा है टू ऐड लाइक फ्रैक्शन, यानी जब आप लाइक फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, वी सिंपल ऐड द डिनोमिनेटर, यानी हमें सिंपली ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसको ऐड करना होता है, एंड राइट द सेम ओवर द कॉमन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को वही रहन देना है, क्यों? क्योंकि वो कॉमन है, और ऊपर के जो डिजिट है उनको हमें प्लस कर लेना है। सेम फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं दोनों में 7 है कॉमन, तो हमने 7 रहन दिया और 1 और 2 को प्लस कर दिया, देन हमारा आंसर 3 आ गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं 8 को हमने कॉमन रहन दिया, 3 और 4 को प्लस कर दिया, देन हमारा आंसर 7 आ गया। सेम उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं 11 को हमने कॉमन रहन दिया और 5 और 4 को प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर 9 आ गया। 9/11 सिंपल हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं दोनों में 13 है, तो 13 को हम कॉमन मान लेंगे और 5 और 3 को प्लस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से है ना, बहुत आसान। चलिए अब हम लोग देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए अनलाइक को फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए कि पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है, और वो हम सेम कैसे करते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। चलिए इसको ही लेते हैं, इसका ही डिनोमिनेटर हम लोग सेम करते हैं। तो इसको सेम करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम क्या करेंगे, इस नंबर से एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर से एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये देखिए, ये 1/2 हमने एज इट इज उतारा। देखिए मैं कलर चेंज करती हूँ तो आपके आपको दिखे, ये 1/2 हमने एज इट इज उतारा और इस 3 से दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई करा, ठीक है, ताकि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो सके। उसके बाद हमने यहाँ प्लस का साइन लगाया और ये 1/3 एज इट इज उतारा, और जो आपका यहाँ पे ये लिखा है 2, इस 2 के साथ इसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 3, मैं यहाँ लिख रही हूँ, जगह नहीं बची है उधर, और ये हो जाएगा 2 3 6। ओके, अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 2 और 2 3 6। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ आपका डिनोमिनेटर जो है दोनों में सेम आ गया है। अब इजीली आप पहले की तरह ऊपर वाले नंबरों को प्लस कर सकते हैं, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 5, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 5/6, ठीक है, याद रखिएगा क्या आंसर आया, 5/6। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं, ये देखिए आपका 5/6 हो गया आंसर। सेम इसी तरह से ये भी आपको एग्जाम्पल दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे ये 1/2 एज इट इज उतारा, इस 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 3 1 3 3 2 6, फिर आपने ये वाला एज इट इज उतारा और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो 2 2 4 2 3 6। तो अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर आपके सेम आ गए। अब आपने यहाँ 6 रखा, 3 और 4 को प्लस कर दिया, ये 7 हो गया। अब ये आपका 7/6 आंसर आ गया, ठीक। लेकिन क्योंकि ये आपका सिर्फ फ्रैक्शन में आया, अब आपको अगर कहा जाए मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो आप कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल ट्रिक है, सीख लीजिए।
ये देखिए ऐसे करेंगे, नीचे वाले नंबर को हम बाहर लिखते हैं, डिनोमिनेटर को अंदर लिखते हैं, 6 × 1 = 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 बचेगा। अब जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर की जगह पे ही जाता है, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आ जाता है, जो आपका क्वार्टाइल होता है वो आपका साइड में आ जाता है। देन आपका इस तरह से ये आंसर आ गया, है ना आसान। अब उसी चीज़ को यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन करके आपको बताया है, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, यानी अनलाइक फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। टू ऐड अनलाइक फ्रैक्शन, यानी जब आप अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने जाते हैं, वी फर्स्ट कन्वर्ट दैम इनटू लाइक फ्रैक्शन, यानी सबसे पहले हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन में बदलना होता है, यानी डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। देन सिंपल ऐड एंड द डिनोमिनेटर, और उसके बाद सिंपली हम डिनोमिनेटर यानी ऊपर वाले नंबर को ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद उसको जो कॉमन डिनोमिनेटर आ गया उसको हम सेम लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ आपको ये दिया गया है 1/3 दिया गया है, ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह से ये 1/5 दिया गया है आपका, ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। फिर आपका क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और ये 5 × 1 = 5 हो जाएगा। जब आप प्लस करेंगे तो ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, है ना। ये देखिए यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करके दिखाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5/15 और 3/15। देन जब आपका आंसर सेम आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो आप डिनोमिनेटर को प्लस कर लेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से इसे भी आप लोग कर सकते हैं आसानी से। अब ये आप लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसमें परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। आपका लिखा लेट्स डू करके देखिए, तो नंबर 1 लिखा है फाइंड द सम ऑफ द लाइक फ्रैक्शन। अभी आपको लाइक फ्रैक्शन दिए गए हैं, इनके आपको सम निकालना है, इसका अलग निकालना है, इसका अलग। तो चलिए आंसर शीट में दोनों का आंसर एक साथ देखते हैं। अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 2/9 और 5/9, ऐसे यही है, ठीक। अब क्या होता है, आपको मैंने बताया कि डिनोमिनेटर यानी कि हर अगर सेम हो तो आप उसे सेम रहने देंगे और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा, है आसान। इसके बाद देखिए यहाँ आपको दूसरे नंबर पे 17 है दोनों का, हर यानी डिनोमिनेटर दोनों का 17 है, आप लिख लेंगे 17 को कॉमन, और 3 और 14 को जोड़ के लिखेंगे तो ये भी 17 आ जाएगा। तो अभी से आप काट लेंगे 17 × 17 = 17, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरह से आप आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये आपके अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर चेंज है, तो चलिए अब इनका आंसर देखते हैं आंसर शीट पे। अब आप देखिए इसमें आपका क्या है, दोनों में हर जो है वो अलग है, डिनोमिनेटर जो है वो चेंज है, है ना, यहाँ 7 है यहाँ 6 है। अब आपको मैंने कैसे बताया था, पहले इसे कॉमन करना होता है नीचे वाले को, तो देखिए जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 6 से कर दिया, और फिर जब हम इसको लिखेंगे इस वाले नंबर को, ये देखिए, तो हम इधर वाले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। अब जब आपको 6 से करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 7 × 6 = 42, ऐसे 7 × 1 = 7 और 6 × 7 = 42, ठीक। अब देखिए दोनों का नीचे 42 कॉमन आ गया, आपने यहाँ कॉमन लिख लिया 42। अब 36 को 7 में आप प्लस कर देंगे तो देखिए ये आपका 43 हो जाएगा, और जब आप इसको इस तरह से डिवाइड करके लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो 42 × 1 = 42 हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 1। तो जो नीचे का नंबर होता है वो नीचे ही लिखा जाता है, और जो ये ऊपर आता है ये इस साइड लिखा जाता है, और जो यहाँ रिमाइंडर बचता है, शेष जो बचता है वो आपका ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अब आपका इसी में जो दूसरा क्वेश्चन था वो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ नीचे दोनों के हर या डिनोमिनेटर चेंज है, है ना, यहाँ 5 है यहाँ 4 है। फिर पहले की तरह आप करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे और इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, और जब इसको लिखेंगे आप यहाँ पे तो इस नंबर से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20 आ जाएगा। इसी तरह से 5 × 5 = 25 और 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं दोनों का हर या डिनोमिनेटर सेम होके 20 आ गया, ठीक है। अब आप 16 और 25 को जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर 41 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे, तो आपका कैसे होगा आंसर, 20 × 40, अब एक बचा, है ना। अब आपको पता है जो नीचे होता है वो नीचे ही रहता है, जो ऊपर यहाँ आता है वो इस जगह पे हो जाता है, और जो यहाँ शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, वो ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2/1/20। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को यही खत्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतने ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।